बात चल रही थी उस हिसाब की जिसके लिए मांगा जा रहा था। तो जो मैंने उनसे कहा कि भाई आप वो हिसाब दे दो, क्योंकि हम ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं, जो लोगों ने मदद की उन्हें पता लग जाए कि उनकी मदद का सही उपयोग हुआ है, और लोगों को पता भी लग जाए कितनी मदद थी, क्या उसकी वो हुई है, उसका सही प्रयोग हुआ है नहीं हुआ है। तो मेरी उनसे भी कोई शिकायत नहीं, बस मैं तो उनसे उनसे मेरा निवेदन था कि भाई मैं उनको भी अपमानी, उन्होंने मदद की है, मैं उनको भी अपमानित किया, कुछ कह उनके बारे में दुर्व्यवहार नहीं कहना चाहता। मैं तो कहता हूँ कि भाई आप अपना जो खर्च आपने किया है वो बता दो, क्योंकि समाज के लोगों को, कुछ लोग ऐसे हैं जो टांग खींचने काम करते हैं, उन्हें ऐसे ही काम मिलते हैं, तो उनको भी, उनका भी स्पष्टीकरण हो जाए, उनकी शिकायत उनकी भी दूर हो जाए। और जितना समय जो लोग फेसबुक पे और उस पर टिप्पणियां करते रहते हैं, तो जो लोग, गजब की बात है कि जो लोग इतनी टिप्पणियां और सब चीजें करते टांग खींचने की, मैं कहता हूं कि आप जो है जितना समय मेरी कमियां गिनाने में या भीम आर्मी के किसी दूसरे व्यक्ति कमियां गिनाने में लगा रहे हैं, इतना समय आप काम करने में लगाएंगे तो हमें हमारी कमियां सुधारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अपनी कमियों को सुधार लेंगे, लेकिन आप अगर काम करेंगे तो ज्यादा काम हो जाएगा और हम बड़ी शीघ्रता से तरक्की कर लेंगे। तो जो गलतियां हैं उन्हें सुधारें और प्रयास करें। मैं गलत हूं या कल जो लोग कल मेरे निर्णय की बात देखो, मैं गलत हूंगा तो वो समाज के साथ होगा, समाज निर्णय लेगा, मैं सही हूंगा तो समाज के साथ होगा, समाज निर्णय लेगा। भाई मैं कोई भगवान तो हूं नहीं, तो ऐसे में अगर कुछ गलत निर्णय लिया जाता, कल कोई बात होती है तो उसके लिए समाज निर्णय लेगा, समाज बुद्धिजीवी है, अगर दूसरा भी कोई गलत करेगा तो उसमें भी समाज निर्णय लेगा, ठीक है ना। समाज बड़ा जिम्मेदार हो रहा है, समाज बाबा साहब मिशन को पढ़ रहा है, समाज बहुत सारी चीजों को जान रहा है, तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई गलत करेगा तो समाज उसके साथ नहीं खड़ा होगा, उसमें मैं हूँ, कोई और हो, कोई बड़ा नेता हो, कोई भी हो, जो समाज से छेड़खानी करेगा, गलत करेगा, वो उस समाज से दूर हो जाएगा, मेरा पूरा भरोसा है। रही बात, देखिए क्योंकि हम लोग भीम आर्मी चला रहे, एक अनुशासन से हमारे उसमें है, एक हमारे संगठन का अनुशासन है, तो कोई अगर कोई स्टेटमेंट देता है उसे भीम आर्मी से ना जोड़ा जाए, इसलिए मैं बता दूं कि सब लोग काम कर रहे हैं, पूरे देश में अलग अलग से संगठन बना के सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन भीम आर्मी भारत एकता मिशन वो संगठन है जिसे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व तो मैं कर रहा हूँ। कुछ एक साथी हमारे, कुछ लोग हैं, उन्होंने भीम सेना के नाम संगठन बनाया है, और किसी ने अंतर्राष्ट्रीय भीम सेना के नाम से बनाया है, तो भाई उन लोगों का वो उन्होंने अपने लिए बनाया है, अपने काम करने के लिए बनाया है, तो उनसे मेरा कोई विरोध समर्थन नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, वो भाई हैं हमारे, हम उनके साथ हैं, लेकिन जिस संगठन को हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि अगर भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता भी कोई गलत काम करता तो उसका छवि जो है, उसका जो मतलब उसकी जो विचारधारा है, या उसको जो देखा जाएगा, उसका रिप्रेजेंटेशन प्रतिदिन तो भीम आर्मी से होगा, तो पूरी भीम आर्मी पर सवाल होगा, पूरी भीम आर्मी सवाल के घेरे में आएगी। तो ऐसे में हमारा प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा काम ना करे, अगर कोई इस तरह का कोई स्टेटमेंट या कमेंट करता है तो वो उसकी अपनी निजी राय है, तो ये संगठन सब लोग अलग अलग हैं, लेकिन हम प्रयास करेंगे, जैसा मेरा प्रयास था, मैं आज आपके माध्यम से कह भी दूं कि जो ईमानदारी से बहुजन समाज की सेवा करना चाहता है, बहुजन समाज की मूवमेंट को चलाना चाहता है, जो बाबा साहब की बात करता है, जो साहब काशीराम की बात करता है, जो ज्योतिबा फूले की बात करता है, पेरियर की, बिरसा मुंडे की, गुरु नानक की, संत कबीर की, जो इनकी सभी महापुरुषों की बात करता है, उनका रास्ता एक है, तो वो भीम आर्मी देश का सबसे बड़ा संगठन है, अभी वो आपके साथ में आ जाए, ठीक है।